Today I'm joined by my colleague Sheikh Noor Mohammed on the phone line, who's a senior correspondent of TV9 Telugu and is live from Hyderabad. And then I shall be joined by the expert on the show. Sheikh Noor Mohammed, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े. ये बताइए कि अब हैदराबाद में कैसी स्थिति है अभी बारिश की? देखिए, दोनों राज्यों की सिचुएशन इंतहा खराब है. आंध्र प्रदेश के तारीख में या तेलंगाना की तारीख में कई बारिश, कई तरह की तूफान हमने देखा है, मगर जिस तरह से आंध्र प्रदेश का जो सिचुएशन और तेलंगाना का खम्भम वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका सिचुएशन बहुत ही बुरा हाल है. देखिए, आंध्र प्रदेश में पिछले दो दिन से जो लगातार जो बारिश हो रही है, उसका सीधा असर वहाँ के आम जनता पर, ट्रांसपोर्ट पर और रेलवे पर पड़ा है. यहाँ तक नौबत आ गई कि ऑलरेडी पहले से ही रेलवे ट्रैक जो थी दोनों राज्यों के दरमियान में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान में, जो सीमाओं पर, दोनों राज्यों के सीमाओं पर ही रेलवे ट्रैक पूरी तरह टूट चुका है, पूरी तरह खराब हो चुका है. मगर जो आम जनता थी जिसका आना जाना था, वो ट्रैवल कर रहे थे बस और लारी के जरिए. देखिए, कल रात में वो जो सीमाएं पर जो बैरेज था, वो रोड सड़क भी पूरी तरह टूट चुकी है. वहां की आम जनता काफी परेशान है. जिस तरह से घरों में पानी आया था, शायद आंध्र प्रदेश की पहली बार इतनी बारिश और इतनी बाढ़ वहां पे देखा है. और जिस तरह के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबु नायडू लगातार आम जनता में है, जिस तरह की उनकी राहत और उनकी जो जरूरत है वो लगातार उनको पहुंचा रहे हैं, और केंद्र सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं, और पीएम भी बात आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर पूरी तरह नजर बनाए रखे. देखिए, लगातार बात कर रहे हैं, क्या बुरा है, चाहे काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर पूरी तरह नजर बनाए रखे. देखिए, आंध्र प्रदेश का हाल इंतहाई बुरा है, चाहे वो काकीनाडा हो, चाहे श्रीकाकुलम हो, चाहे विजयवाड़ा हो, चाहे कृष्णापट्टनम हो, इब्राहिमपट्टनम हो, आसपास के इलाके पूरी तरह तालाबों की तरह तब्दील हो चुका है. यूं देखा जाए, अगर मैं ड्राउंड शॉट में अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि जिस तरह से जो विजयवाड़ा का जो सिचुएशन है, देखिए 80% पूरी आबादी समंदर के मानिंद तब्दील हो चुकी है. और दूसरी तरफ तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ, तेलंगाना में कई इलाके और कई देहाती इलाके, कई विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह सड़कें खराब हो चुकी है. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार आम जनता में है, और जिस तरह से एनडीआरएफ की मदद भी ली जा रही है, जो लोग तालाबों में और घरों के छतों पर जो ठहरे हुए हैं, उनको एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर रहा है, मगर सिचुएशन बहुत बुरा है. देखिए, कल से अभी तक 24 लोगों की मौत होने की खबर बाजाबता दोनों राज्यों ने बताया है, और केंद्र की लगातार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है, और केंद्र ने पूरी तरह फोकस आंध्र और तेलंगाना पर कर रखा है इस बाढ़ को लेकर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख नूर मोहम्मद. देयर यू हैव इट, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट TV9 तेलुगु जॉइनिंग अस लाइव एंड टेलिंग अस दैट सिचुएशन इन बोथ द तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स इज रादर precarious right now. Also joining us, Deepak Reddy, national spokesperson for the Telugu Desam Party, on our show live. Mr. Reddy, very, very terrible times, I must say. You have to tide over it, but of course mishaps come and go, natural disasters come and go. I just want to ask you that in 50 years, this is what the statistics are saying, this is the heaviest rainfall in Andhra Pradesh. Sir, we've done a lot of stories, whether it's in Karnataka, whether it's in Maharashtra, everywhere. The only and only the factor here is climate change. So I want to ask you, considering your party is something which does not look at things only from one prism. So if we look at it from the prism of, you know, science, that what the reality is, did we know that this is the kind of rains that Andhra Pradesh is going to be witnessing? Deepak Reddy. Very good evening, Sudha. Actually, it is quite shocking to see what is going on, because this kind of a situation we haven't faced in probably this is a once in a 100 time kind of a situation. Yes. Krishna River has its presence in about 4 states, and this particular location of Vijayawada, it's almost at the tail end, close to the sea coast. So we are seeing the worst of the flooding here, because it's almost at the tail end of the river, right? And what is the biggest issue is the Met Department has given us warnings on 29th, and the government actually has swung into action from 29th, and they have given permission to the collectors to draw advance also, and preparatory mechanism was made. Right. But we didn't expect the thing to be so bad. And when our Chief Minister Chandrababu Naidu ji went to the location yesterday, he was shocked to see the level of flooding. And he decided to stay right there without going home. And the press has reported him seeing being part of the rescue mission till 3 a.m. in the morning. And he says, my presence is required here, and I want to comfort the people, and we want to work on war footing, is the wording what he said. All the ministers of the cabinet are also on the ground. And he's also instructed all the senior leaders of the party to be on the field.
and several kitchens have been temporarily set up to feed the people who are actually submerged. And all actions have been taken. The central government also has been extremely helpful by sending the NDRF team and about 6 helicopters. So the government is doing everything on war footing to salvage the situation. And in certain areas where the situation is very bad, they got huge pumps to do and pumping the water, doing reverse pumping. So this is what is happening on the ground. This is the progress I would like to offer.